ए, अरे क्या कर रही है तू? थारे को मैं कितनी बार बोला है कि बिना घूंघट के घर से बाहर मत निकला कर। अब ये तेरी उम्र ना है छोरा छोरी खेलने की। चल भाग यहाँ से, और अगली बार तुझे यहाँ देखा ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। काय गोरी है, हैं? थारे को अपने भाई साहब की इज्जत की परवाह होती तो यूं घूंघट गाड़े बिना बाहर ना जाती। भाई साहब, इससे अपने भाइयों की इज्जत की परवाह कहाँ है? पूरे गांव में ऐसे ही घूमती रहती है, कुछ मान मर्यादा है या नहीं? अरे तू क्या खड़ी है, लेके जा इसे अंदर। चल आटे बैठ। देख छोरी, अरे हाथ पीले करने की उम्र हो जा रही है, बींदनी बनने वाली है तू बींदनी। देख छोरी, घूंघट औरत की लाज होवे है, उसका गहना होवे है, इससे उसकी शोभा बढ़े है, समझी कि नहीं? तारे बापू सा, तारे भाई सा, तारे भले के लिए तने टोके हैं, उनकी बात माना कर। आदमी दुनियादारी समझे है क्योंकि उसकी दुनिया बाहर होवे है और औरत की दुनिया इस चार दीवारी के भीतर होवे है। आज से थारी भी जिंदगी इस चार दीवारी के अंदर कटेगी, समझी कि नहीं? हमारी आज की कहानी बीकानेर राजस्थान की रहने वाली गौरी परमार के साथ घटी घटनाओं पर आधारित है। ऐसी घटनाएं जो आज तक न कभी आपने देखी होंगी न सुनी होंगी। गौरी के पिता बलराम पेशे से ऑटो मैकेनिक थे, पर जब गौरी के बड़े भाई खजान और मलखान कमाने योग्य हुए तो उन्होंने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। वर्ष था 1987, जब ना तो केबल टेलीविजन था, ना मोबाइल और ना ही इंटरनेट। गौरी जिस समाज का हिस्सा थी वहां लड़कियों को शिक्षित करने की प्रथा नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप गौरी पढ़ लिख नहीं पाई। साथ ही साथ उस समाज में पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था, जिसका पालन महिलाओं को बेहद सख्ती से करना होता था। कुल मिलाकर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां महिलाएं पूरी तरह से पुरुषों के अधीन थी और उनकी हर आज्ञा का पालन करना उनका परम धर्म होता था। महिलाओं का पूरा जीवन घर की चार दीवारी तक ही सीमित रह जाता था। गौरी जैसे ही 18 साल की हुई, उसके पिता ने उसकी शादी जयपुर के अजय चौहान के साथ तय कर दी। बच्ची, पूरा परिवार सुबह से निकला है जयपुर से, बस आने को है, तो घबरा नहीं, थोड़ा सब्र रख छोरी, सब्र कर। अरे आइए आप लोग, खुशखबरी है, घर में लक्ष्मी आई है। क्या हुआ मासा? बापू साहब क्या हुआ? उठो नहीं, लेटी रहो। क्या हुआ, क्या बात है? वो लोग आ गए ना? रास्ते में उनकी गाड़ी की टक्कर हुई थी, थारी सासू मां तो बच गई पर थारो भी। नहीं नहीं अरे के हाल चाल है छोरो? अच्छी खबर कौनी बापू सा? अरे के हुआ? सब कुछ खत्म हो गया बापू। भाई साहब पानी लेकर आओ। भाई साहब क्या हुआ, माजी ने क्या कहा? सॉरी, हारे लिए अच्छी खबर कौन? ये खबर है भाई साहब। अच्छी बोली, गौरी को घर में घुसने ना देंगे। गौरी अब सकुड़ी है, तुमने उनके बेटे को नजर लगा दी और उनके बेटे को उनसे छीन लिया। देख गौरी, थारी सास बोले ये बच्चा उनका है, उनके बेटे की आखिरी निशानी, उनको बच्चा चाहिए, वो करना चाहिए। हमने मना किया पर कोर्ट कचहरी की धमकी देने लगी, कहने लगी जेल में डाल देंगे। अब क्या करे गौरी? बाबू सर देखो ना क्या कहे हैं भाई साहब, माजी से बात करो ना। अरे बेटा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ जाते बेटा।
गौरी मैं थारे मन की बात समझता हूँ, तो चिंता कौन ही कर, वो इसे अपने बच्चे की तरह रखेंगे, इसके पालन पोषण में कोई कमी ना आएगी। मान जा गौरी मान जा। मैं ना दूंगी बच्चा। तू ही गौरी को समझा, मैं इसे रोता हुआ नहीं देख सकता। चल छोड़ दे। देख छोड़ी, मान जा, जीत ना कर, दे दे बच्ची को। ना बाबू, मैं ना दूँ। अरे छोरी मान जा, क्यों ना मानती तू? एक तो तू खुद बोझ बन के सर पे बैठी है, और अब थारी बेटी के भी खर्चे उठाए हम। अरे बिनवीर चुप कर, ऐसे बोलते हैं क्या? देख छोरी जीत ना कर, दे दे मेरे को, दे दे, ला ला। गौरी अभी अपने पति की मौत के सदमे से भी नहीं उबर पाई थी कि अब उसे अपनी बच्ची से बिछड़ना पड़ रहा था। किसी भी परिवार में पिता की मौत के बाद बच्चों पर पहला कानूनी हक माँ का होता है, और अगर गौरी चाहती तो वो कानूनन अपनी बच्ची को अपने पास रख सकती थी, लेकिन अपने भाइयों और माता पिता की बात का निरादर करना उसके बस में नहीं था। चुप कर, वो तो मैंने देख लिया, वरना तो मेरे गहने गायब हो जाते। छोटी भाभी आप तो थी ना वहां पे, बताइए ना सबको मैंने चोरी ना की है, बोलो ना। देख गौरी, थारे लिए जो रिश्ता है उसे हाँ कर दे, मान जा गौरी। थारी उम्र ही क्या है अभी, पति के घर जावेगी तो सुखी रहेगी। इस उम्र में थारा विधवा का रूप खटकता है हमारी आंखों में बहना, दिल चीर जाता है हमारा थारी तकलीफ देख के। देख गौरी, अपनी भाभियों को तो तू जाने, ऐसे हालात में यहाँ रहेगी तो घर का क्लेश तो सिर्फ बढ़ना ही बढ़ना है। अपनों की बात मान ले, शादी के लिए हाँ कर दे। मुझे पूरा भरोसा है इस बार तेरा जीवन सुखी रहेगा। हाँ बेटा मान जा। आप हमेशा इतना लंबा घूंघट निकालती हैं। जी। फिर तो आपको मुश्किल हो जाएगी इस शहर में। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई बंबई शहर में आप एक अकेली लड़की होंगी जो घूंघट में दिखाई देगी। जब आपके साथ चलूंगी तो घूंघट नहीं निकालूंगी। अच्छा, लेकिन गौरी मेरा ज्यादातर वक्त सफर में गुजर जाता है, महीने के बस 12-13 दिन ही मैं घर पे रहता हूँ, इसलिए तुम्हें अपनी ये जो घूंघट निकालने वाली आदत है ना, उसे बदलना पड़ेगा। अरे गौरी, अरे मासा देखो, अपनी गौरी आई है। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, चल 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 चल। ना मां, मैंने कोई झगड़ा ना किया, वो तो मैंने स्टेशन तक छोड़ने भी आए थे, ट्रेन में भी बैठाया, बोले 20 दिन बाद आके बीकानेर से ले जाएंगे। अरे भाई मुंबई गए हैं, आते ही होंगे, तो चिंता को नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब आप मिले उनसे? नाम मात्र उस पाखंडी का।
वो थारो बींद नहीं, धोखा दे रहा वो थारे को। पहले से उसने दूसरी ओर ला के रखी हुई है और अब तीसरे ब्याह की तैयारी कर रहा हो। के समझे वो अपने आप को, एक दिन देख लेंगे साड़े को। और अब देखो उसके पास जाने की जरूरत ना है, हम भाई अभी जिंदा है, तेरा ख्याल रख लेंगे। देख गलती मारे से हुई, पहली बार किसी आदमी को परखने में गलती होगी तेरे भाई सा से। भाई सा मैं निभा लूं। गोरी इतना निर्लज्ज समझा तूने अपने भाई सा को, हैं? क्या अपनी इकलौती बहन को ऐसे के पास वापिस छोड़ आएंगे? देख तू चिंता को नहीं कर, तेरा एक और ब्याह होगा। क्या हुई हो? भरोसा रख अपने भाई सा पे। क्या है मुझे बता तो सही, क्या हुई हो? मात्र 21 वर्ष की आयु में गौरी का घर दूसरी बार उजड़ने जा रहा था। उसके भाइयों ने मुंबई से लौटकर उसे बताया कि उसका पति पहले से शादीशुदा था और अब वो गौरी को त्याग कर एक और शादी करने जा रहा था। गौरी अपने दुर्भाग्य को अभी ठीक तरह से समझ भी नहीं पाई थी कि उसके पिता और भाइयों ने उसकी तीसरी शादी की तैयारी शुरू कर दी। और इस निर्णय में ना तो किसी ने गौरी से सलाह मशवरा किया, ना ही उसका कानूनन तलाक हुआ था। ये एक अपराध था। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक जीवन साथी के जीवित होते हुए उससे तलाक लिए बगैर दूसरी शादी करना अवैध है, अपराध है। लेकिन गौरी के पिता और भाई कानून को ताक पर रखकर उसकी तीसरी शादी के लिए आतुर थे। क्या इस नए संबंध को लेकर भी गौरी को अंधेरे में रखा जा रहा था? देखा, उस साल में ही परमार परिवार ने बहुत तरक्की कर ली है। कुछ समय तो पहले बाप और बेटे सड़क के किनारे रिक्शा रिपेयर करते थे, आज देखो अपना गैरेज खोल लिया है। और कितना पैसा देंगे इस आदमी को हम? इसकी तो अब नौकरी भी कोई नहीं। कैसा निर्लज आदमी है, अपनी बिंदी के लावे पीछे से जिंदगी चलाना चाहता है। आज हमारा धंधा के चल निकला, दुनिया मुफाड़े खड़ी हो गई। टकसाल खोल रखा है हमने, जो भी लोग पैसा मांगते जाएंगे और हम देते जाएंगे। गौरी मारी लाडली बहन जरूर से, लेकिन इसके तीसरे बिंद को और पीछा देने की मारी औकात नहीं है। छोरी अगर घर में बैठती है तो बैठे रहने दो। हाँ बापू जी। ए, इधर क्या खड़ी है, चल चल के खाना खा ले। कुलक्षणी कहीं की। गौरी के भाइयों ने उसकी तीसरी शादी को बचाने की भी कोई खास कोशिश नहीं की। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, और अगर गौरी के भाई चाहते तो उसके पति को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत अदालत ले जा सकते थे, या फिर बातचीत के जरिए मामले को निपटाने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन उन्होंने दोनों विकल्पों को दरकिनार कर गौरी की चौथी शादी की तैयारी शुरू कर दी। देखो बापू सर, हालात देखो हमारी बहन की, शराब के नशे में जानवर की तरह पिटाई से। उसे पता था कि छोरी का 3 बार पहले ब्याह हो चुका है, अगर उसे इतराज था तो शादी के पहले बताना था। अब ये हाल करके भेजा है वापस उसने। बापू साहब अब सीधी सी बात है, अब हमारे बेटा को हम वापस ना भेजेंगे। नाडो तुम्हारी बात तो सुन बेटा, जैसा है मेरा पति है। सुन बेटा, सुन, और सुन। एक शादी ना टूटने दूंगी मैं। तो क्यों वापस जाने की जिद पकड़े बैठी है बेटा? ए गौरी, अपने भाई साहब की बात मान ले, वापस मत जा। भाई साहब उसे जाना है ना, हम उसे ले चलते हैं। गौरी तुझे जाना है ना, चल हम तुझे लेके चलते हैं। चल आ जा मौसा, अब ठहरो। आओ भाई साहब, चिंता ना कर, मैं देखता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? मैंने तेरे भाइयों से बोल दिया था तेरी शकल नहीं देखनी, और तू फिर यहाँ गई। चल कर। ए जीजा सर, इसको ले गई, कुछ नहीं सुना। बोला था ना मैंने तारे को, अपनी बात नहीं मानी। चल अजीजा से, जा रहे जा रहे। आइए आइए आइए, मैं अभी गौरी को लेकर के आता हूँ। गौरी बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में बार बार कोई दिक्कत हो, तू जाकर के अपने बारे में ना पूरा साफ साफ बता दे। आप मुझसे शादी करने आए, वो भी बिना दहेज की? क्या आपको मेरे भाई साहब ने बताया नहीं कि पहले भी मेरी 4 शादियां हो चुकी हैं? हाँ पता है मुझे, तुम्हारे भाइयों ने सब बता दिया मुझे। और आप फिर भी मान गए? मेरी भी एक शादी हो चुकी है, 5 साल पहले पत्नी का स्वर्गवास हो गया। 2 बच्चे हैं मेरे, 12 साल की बेटी और 8 साल का बेटा। उनको माँ की जरूरत है और मुझे पत्नी की। अगर आपको जरूरत है
तो मेरी भी एक शर्त है। अगर मेरे भाई साहब ने आपको बता दिया है कि मेरी 4 शादियां हो गई हैं, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैं अब और धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। गौरी का अपने दूसरे, तीसरे और चौथे पति से तलाक नहीं हुआ था, ये बात हेमंत को नहीं बताई गई। और अपनी नेक नियति में उसने गौरी की पिछली 4 शादियों की सच्चाई जानने की कोई कोशिश भी नहीं की। उस बेचारे को इस बात का अंदेशा तक नहीं था कि उसकी और गौरी की शादी अमान्य है। बिरादरी में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। 4 बार शादी कोई लड़की को कोई घर ले आता है? लोग कहते हैं तूने शादी नहीं की, समाज सेवा की है। अब हंस मत, लोगों के ताने तो मुझे ही सुनने पड़ते हैं ना। अरे माँ, सबकी अपनी सोच होती है, मेरी अपनी है। नियति पंकज चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी चलो। सीख गया ना? चल, तुमने बाल कैसे बनाए? लाओ ठीक कर देती हूँ। अरे तुमने तस्मे बांधने सिखा दिए, मैं सोचता था मैं सिखाऊंगा। चलो चलो जल्दी करो, साइकिल बाहर निकालो, स्कूल के लिए देर हो रही है। देखो माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो अपने ही ख्यालों में रची बसी है, ऊपर से तुम आ गई हो तो उसके पास तो कुछ काम ही नहीं बचा अब। नहीं, बुरा नहीं मानती। देखो मैं शाम को जल्दी आऊंगा, सिनेमा चलेंगे। तीसरी और चौथी शादी की दुर्दशा के बाद आखिरकार गौरी को एक ऐसा पति मिला जिसने उसे पूरे स्नेह और सम्मान के साथ स्वीकार किया। गौरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो एक आदर्श बहू और पत्नी साबित हो, और जब हेमंत को पुराने कर्ज चुकाने के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी तो गौरी ने उसके कहे बिना ही अपना स्त्री धन हेमंत को देने का फैसला कर लिया। पहले खबर दे देती तो छोटे को भेज देता गाड़ी स्टेशन थारे को लेने वास्ते, यू अकेली आ गई तू। अरे बहना ऐसे क्या देख रही हो, ये हमारा नया घर है, पसंद आया थारे को? मासा देखो गौरी आई है। अरे गौरी बेटा तू खुश रह बेटा, कैसी है, सब ठीक तो है? क्या बात, बहुत घबराई हुई सी है। हाँ बाबू साहब, तुम्हारे को थोड़ी जल्दी है, मारे को मारे गहने चाहिए, जरूरत आन पड़ी है। इन्होंने कुछ पुराना कर्जा लिया था, वही चुकाना है, और हम सोच रहे थे कि हम नया घर भी ले लें। और मासा तो जाने हैं, मारे को सजने संवरने का शौक तो है ना, तो मैंने सोचा कि गहने हमारे काम आ जाएंगे। अब गहने वगैरह के बारे में ना अपने भाई लोगों से ही बात कर ले, ठीक है? तू थोड़ा आराम कर ले, अब चाय चाय बना गौरी के लिए। चल गौरी अंदर चल, चलो। कौन से गहने गौरी, हैं? कैसा स्त्री धन, थारे ब्याह में सब कुछ तो दे दिया हमने थारे को। नहीं भाई साहब, गहने मैं ना लेके गई, और इन्होंने तो दहेज लेने से मना कर दिया था, तुम्हारे सारे गहने यही हैं। बहना थारे से गलती हो रही है, तू अपने साथ अपने सारे गहने लेकर गई थी ना भाई साहब, मारे को याद है कि मारे गहने। जी मारे हार को ऐसे क्यों घूर रही है रे तुम? ये तो मारा हार है। थारा हार? इसका मतलब हारे को तो चोर बोले? चोर बोले तुम्हारे को? ना भाभी साहब, बढ़िया ही हार को अपना बोलने वाली। अरे कैसा स्त्री धन और कौन सा स्त्री धन, एक तो थारे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, थारे रोटी और कपड़े का खर्चा उठाया, आसरा दिया, और उसका जे सिला दे तू? ए, ए तू चुप कर, चुप कर, चल चल अंदर चल। जी मैं गौरी को भी बता देता हूँ। जी क्या हुआ? तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। माँ की तबीयत? तुम्हें घर जाना होगा। चलो तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा। जब से तुम्हारे भाइयों ने नया घर लिया है लहजा बदल गया उनका, और वो स्त्री धन ना देने वाली बात वो तो अभी तक हजम नहीं हुई मुझे, पता नहीं क्यों गौरी तुम्हारे भाइयों पर से भरोसा उठ गया है मेरा। अरे माँ जी देखिए गौरी आई है। गौरी? भाई साहब मासा का है। हाँ तू कैसी है? मैं अच्छी भाई साहब, मासा का। मासा देखो गौरी आई है। अरे गौरी छोरी, मासा तो ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मने क्या हुआ है? माँ मैं तो घबरा गई थी, मैंने तो संदेशा भेजा था कि तू बीमार है, तो मैं यहाँ आ गई। हाँ मैं बीमार थी। अरे छोरी ताप कुछ ज्यादा बढ़ गया था,
लेकिन अब ठीक हूँ। घर वाले परेशान हो गए थे और तुझे बुला भेजा। चल अच्छा हुआ तू आ गई। वैसे भी घने दिन से थारी बहुत याद आ रही थी मने। शुक्र है माँ कि तू ठीक है। मन बहुत घबरा गया था। चल कोई बात नहीं, अब जब तू आ गई है ना तो हफ्ता भर रुक कर जाना, ठीक है? ठीक है माँ, पर मने ना संदेशा भिजवाना है पहले। हाँ हाँ तू चिंता ना कर। देख तू सफर से आई है ना, थक गई होगी, तू आराम कर ले थोड़ा। मैं अभी बिंदड़ी को बोल के तेरे घर पे फोन करवा देती हूँ, ठीक है? बिंदड़ी, अरे ओ बिंदड़ी, जब गौरी के ससुराल में जाके फोन कर दे। प्रणाम। आप दोनों यहाँ? हाँ, उदयपुर काम से आए थे, सोचा आपसे मिलते चले। और भैणा का संदेशा भी देना था आपको। अंदर आइए ना आप लोग, अंदर आइए। कैसा संदेशा, हमें भी तो बताइए। नहीं चाहिए। नहीं भाजी, चाय कौन ही चाहिए। देखो जीजा जी, हम लोग तो थारे को यही बताने आए हैं कि गौरी वापस कौन ही आवेगी। वो तो थारे से तलाक चाहती। बस बस, मजाक बहुत हो गया। ये बताओ उदयपुर कैसे आना हुआ? गौरी परेशान है थारे से, फिर माता जी की दिन भर खिटखिट, और थारे बच्चों ने तो जी में जंजाल कर दिया है हमारे बहना का। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, ये तो गौरी की वाणी है। गौरी को आपसे तलाक चाहिए, और तलाक की कीमत है 3 लाख रुपया, वो भी नगद। किस बात के 3 लाख, हम एक पैसा भी नहीं देंगे। अरे अरे माजी सर, शायद आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हो। अरे आप इन्हें तो गौरी को बार बार दहेज के लिए परेशान किया था, जान से मारने की और जिंदा जलाने की धमकी भी दी थी, याद है? पूरा का पूरा दहेज उत्पीड़न का मामला बनता है। भाई साहब, क्या खबर है भाई साहब? भाभी ने कितनी बार फोन लगाया, फोन नहीं लगा। वो गौरी। भाई साहब, अरे कुछ बता दो। वो तारे लिए अच्छी खबर कौन है? हेमंत जीजा साहब ने ये तारे लिए चिट्ठी भेजी है। भाई साहब, मैंने तो पढ़ना ना आवे, के लिखे हो? के लिखा है भाई साहब? गौरी, हेमंत साहब ने बोले है कि गौरी को वापस नहीं भेजना, वो थारे साथ नहीं रहना चाहता अब। क्या बोले हो भाई साहब? हेमंत थारे से तलाक चाहता है। उसने इस चिट्ठी में लिखा है कि उसे उम्मीद थी कि तू अपने भाइयों से पैसा लेकर आएगी, पर उसकी उम्मीद पूरी ना हुई, इसलिए वो तेरे से कोई रिश्ता ना रखना चाहता है। झूठ बोले हो भाई साहब, तुम दोनों झूठ बोले हो। मनीष भाई साहब, वो मने छोड़ ना सके, वो मने छोड़ ना सके। मैं ना मानू भाई साहब, वो मने छोड़ ना सके। आप दोनों झूठ बोले हो, मने पता है वो मने ना छोड़ेंगे, वो मने नहीं छोड़ सकते। गौरी, काय झूठ बोलेंगे हम? अपने भाइयों की बात पर विश्वास ना करना गौरी के स्वभाव में ही नहीं था। उसके लिए ये सोचना भी असंभव था कि उसके अपने सगे भाई उसके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ कर रहे होंगे। गौरी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था, और उसमें उसके सिर्फ भाई ही नहीं, उसके माता पिता और भाभियां भी शामिल थी। लेकिन परिवार वालों के लाख समझाने के बाद भी गौरी का मन ये मानने को तैयार नहीं था कि हेमंत भी उसके दूसरे पतियों की तरह था। जिंदगी में पहली बार गौरी को अपने परिवार पर शक होने लगा, और अब वो कोशिश करने लगी कि किसी भी तरह हेमंत से संपर्क कर सके। चल
पहले तरकारी ले लेते हैं। भाभी तरकारी मैं ले लेती हूँ, आप दूसरा सामान ले लीजिए। अच्छा जल्दी करिए। ये नंबर मिला दीजिए। हेलो माजी, मैं गौरी बोल रही हूँ। माजी ये कहाँ है, इनसे बात करा दीजिए, बहुत जरूरी है। सुनिए जी, उसने फोन पकड़ लिया। क्या हुआ भैया? उसने फोन पकड़ लिया। किसने? गौरी ने, वो टेलीफोन में उसे फोन लगा रही है। ए, चल छोटे, ए, चल, चल। माजी आप ये कैसे बोल सकती हैं? 3 लाख रुपए लिए तेरे भाइयों ने, तब जाके तुझसे पीछा छूटा है, और तू फिर से फंसाने चली मेरे बेटे को। माजी आप ये क्या बोल रही है? निर्लज्ज, कुछ तो शर्म कर। नियति और पंकज तुझे अपनी माँ समझते हैं, डायन भी एक घर छोड़कर वार करती है, पर तू, तूने तो अपने बच्चों का भी लिहाज नहीं रखा। कैसी माँ है तू? कटे यही तो थी भाई साहब, वो उधर जा रही है। अरे रुक, बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब, जाने हो, भाई साहब ने ना, भाई साहब ने मेरा तलाक करवाया है, पूरे 3 लाख में मेरे तलाक का सौदा किया है। बापू साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मासा पता माजी क्या कह रही थी? माजी बोल रही थी कि रिश्ता मैंने तोड़ा है। सॉरी, अरे को मैंने मना किया था ना फोन करने को, और तू बिहड़ी, तेरा ध्यान किधर था? हादे को मैंने बोला था छोरी पे नजर रखने को। बापू तू भी, माँ, माँ तू भी, तुम सब मिले हुए हो, तुम सबने मिलके मेरे साथ ऐसा किया। मैं सबको बताऊंगी, मैं पूरे गांव में जाकर बताऊंगी कि तुम सबने मेरे साथ धोखा किया है। ए, छोरी को लगा अंदर जाओ। छोड़ो मुझे, मैं जाऊंगी, छोड़ो गौरी, छोड़ो मुझे। देख गौरी, जब तारे को सच बात पता चली गई है तो हमारा आगे का कार्यक्रम भी सुन ले। अगले 6 हफ्तों में तारा एक और ब्याह होने वाला है, और थारा अगला पति थारे वास्ते 5 लाख देने वाला है, पूरे 5 लाख। जो गौरी गौरी, हिम्मत ना भी 2.5 लाख दिए थे हमें थारे से शादी करने के लिए। झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा तू, झूठ बोल रहे हम। बात इसके हाथ, रस्सी लेकर, रस्सी लेकर निकल। उदयपुर जाना है, उदयपुर जाऊंगी, छोड़ो मुझे, छोड़। उदयपुर जाएगी तू? छोड़ो। देख गौरी, मैं थारे को उदयपुर लेकर जाऊंगा, लेकिन ये सब कार्यक्रम के बाद एक बार ये शादी हो गई, हमें हमारे 5 लाख मिल गए, तो नए पति ना छोड़ के अपने पुराने हिम्मत के बस वापिस चले जाइयो, हम लोग कुछ ना करेंगे। लेकिन तब तक तारी जबान से उफ नहीं निकलना चाहिए। नखरा मत कर छोरी। भाई साहब, मैं तो तारी बहन हूँ ना, मन न बांधो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो इसे भाभी साहब, छोड़ दो इसे, पर एक शर्त पे, हम लोग तेरे भाई हैं इसलिए तुझे प्यार से समझा रहे हैं, एक बार पिस्सा हमारे हाथ में आ गया तो तुझे जहां जाना है चली जाना। हे छोरी, कहाँ जा रही है? भाई साहब पानी लेने जा रही थी। पी ले।
हैं? अरे पानी पीने गई होगी। अरे नहीं, दरवाजा खुला है, गौरी भाग गई है। भाग गई? छोटे चिंता कौन ही कर, वापिस आ जाएगी कल शाम तक रोते बिलखते। अरे हेमंत के परिवार ने कौन सा उसको रखना है, तू सो जा, दरवाजा बंद कर। तो छोटे चल यहाँ से, पूरा मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ के रख दिया। अरे माँ क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो, बात तो कर ले एक बार। क्या बात करनी है, इसने क्या अपने भाइयों से पैसे वापस ले ले, वरना पानी ही नसीब नहीं होगा इसे। माँ गौरी को सड़क पे छोड़ दूंगी, कोई जरूरत नहीं उसे कैमरे में सोचने की, मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। अरे माँ बात तो कर ले एक बार उससे। नहीं जाऊंगी इस घर से, मर जाऊंगी तब भी नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अंदर, चलो नाश्ता कर लो, चलो। और तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं, चली जाओ यहाँ से। नहीं जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। बाजी रोकता नहीं सब करने से, तू भी चल अंदर। खबरदार जो इसकी कोई खातिरदारी की है, कोई रंग करने की जरूरत नहीं इसमें, चल अंदर, चलो सबके सब अंदर, चलो चलो। नहीं खाया तो कोई बात नहीं, तुझे परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा खाना खा ले, खा ले बेटा। चलो चलो यहां से। मां अगर गौरी दोषी होती तो वो यहां इतनी देर नहीं रुकती, वो बीकानेर चली जाती। फैसला आपका है मां, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा कर लूंगा। पूरे 70 घंटों तक गौरी हेमंत के घर के बाहर बैठी रही, तब जाकर उसकी सास को विश्वास हुआ कि उनकी बहू पूरी तरह से निर्दोष है। खाना खा लो। अरे सब ठीक हो जाएगा। गौरी को अपने पति और सास की स्वीकृति तो मिल गई, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अब भी डामाडोल थी। मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया इन्होंने मेरे साथ ऐसा? और हमारे माँ बाप ने भी ना रोका, क्यों? क्या मैं अपशगुन हूँ? क्या मैं कर्महीन हूँ? आखिर क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? ऐसा नहीं सोचते गौरी, जो बीत गई सो बात गई। ऐसे कैसे बात गई? हमारे परिवार ने मेरे साथ ऐसा किया, सुनवाई तो मुझे चाहिए। एक शंका तो मेरे मन में बार बार उठती है, जो मुझे रात रात भर सोने नहीं देती। जब तेरे भाइयों ने तेरी 5वीं शादी में ऐसा किया, तो उससे पहले 4 शादियों में क्या क्या नीचल कपट किए होंगे। अच्छी बोली, गौरी को घर में घुसने ना देंगे, गौरी अब सकुड़ी है। थारी सास बोले हो, ये बच्चा उनका है, उनके बेटे की आखिरी निशानी, हमको बच्चा चाहिए। वो थारो बींद नहीं, पहले से उसने दूसरी औरत ला के रखी हुई है, और अब तीसरे ब्याह की तैयारी कर रहा हूं। 3 लाख रुपए दिए तेरे लिए, जिस तरह दिल में आएगा उस तरह रखूंगा तुझे। अरे बहना
ऐसे क्या देख रही हो? ये हमारा नया घर है, पसंद आया तारे को? मुझे सच जानना होगा। आप दोनों अपनी जगह पे सही है, मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देता हूँ, लेकिन कोर्ट में आपके भाई बहुत आसानी से छूट जाएंगे। पर इंस्पेक्टर साहब, मैंने खुद अपने हाथों से 3 लाख रुपए दिए थे उन्हें। 3 लाख रुपए? आपके पास उसकी कोई रसीद है? कोर्ट में आपके माँ बाप, आपकी भाभियाँ आपके भाई के समर्थन में ही गवाही देंगी। तो क्या हम बिना लड़े ही हार मान लें? मैंने ऐसे कब कहा, बल्कि आप अपना केस बनाइए। आपके भाइयों ने आपके दूसरे पतियों को भी धोखा दिया है, उनसे कुछ रुपए ऐठे हैं, उनके खिलाफ गलत केस बनाने की धमकियां भी दी है। आप जितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगी उतना ही आपका केस स्ट्रांग होता जाएगा। जो गौरी चंद महीनों पहले तक बिना घूंघट के किसी गैर मर्द के सामने भी नहीं आती थी, आज उसने इंसाफ की लड़ाई के लिए शहर दर शहर जाने का फैसला किया, और उसकी इस लड़ाई में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला उसका हमसफर बना उसका पति हेमंत। गौरी तू आ, अंदर आ। जब से मेरा बेटा गया तो मेरी जिंदगी सूनी हो गई है, अब तो बस मीरा के लिए ही मैं जी रही हूँ। मीरा से मिलो भी? जी माँ जी। मीरा? जी दादी सा। आ बेटा, तुम्हारी मम्मी आई है। तेरे भाइयों ने यहाँ आके हमें कहा कि तू अब हमारे पास वापिस आना नहीं चाहती है, तेरा मन उब गया है हमसे। और जब हमने मीरा के बारे में पूछा तो बोले तू मीरा को अपने साथ रखना नहीं चाहती है। माँ जी बोली गौरी को घर में घुसने ना देंगे, गौरी आप सकुड़ी हैं। और बोले वो हमें मीरा को दे देंगे, और इसके लिए हमें 6 लाख रुपए तेरे भाई को देने पड़ेंगे। और तेरे भाई की बातों पर हमें यकीन नहीं था, लेकिन मीरा के बारे में सोचकर हम घबरा गए, इसलिए चुपचाप तेरे भाई को 6 लाख रुपए हमने दे दिए। हमें इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करेंगी आप? हमसे जितना भी बन पड़ेगा हम जरूर आपकी मदद करेंगे। इसके भाई मुझे मिलने आए थे, वो कह रहे थे कि गौरी मुझे छोड़ना चाहती है क्योंकि किसी अमीर खानदान में उसकी शादी होने वाली है। उसकी शादी का न्योता तक लाए थे मेरे पास, वो मुझसे कह रहे थे कि मैं उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, और उसके बाद कोर्ट कचहरी की धमकी देने लगे मुझे। क्या करता मैं, 2 लाख रुपए उनके मुंह पे मारा मैंने, और तब जाके गौरी से अपना पीछा छुड़ाया। मुझसे बोले दहेज प्रताड़ना के साथ साथ मेरे पे मेरी बीवी के बलात्कार का केस लगा देंगे। मैं बहुत घबरा गया, जो दहेज गौरी लाई थी उससे दूना उसके भाई वसूल कर ले गए। मैं तेरे से जो मारपीट करता था ना उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगू, मुझे माफ कर दो। अब आपके भाई के देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा, हाँ मुझे माफ कर दो भाई साहब। आखिरकार गौरी के पतियों को उसकी सच्चाई का पता चला, उन्हें एहसास हुआ कि गौरी के भाई सिर्फ उन्हें ही नहीं खुद गौरी को भी ठग रहे थे। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने के जुर्म में बाइगेमी के लिए आईपीसी की धारा 494 के तहत अभियुक्त पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। हमारे कानून के अनुसार तलाक के लिए पति पत्नी को एक दूसरे के सामने डिवोर्स कोर्ट में पेश होना पड़ता है, और फिर डिवोर्स कोर्ट ही उनके तलाक को मान्यता प्रदान करता है। गौरी तो अनपढ़ थी, लेकिन अगर उसके पतियों को कानून की जरा सी भी समझ होती तो उसे इन 5 शादियों से कभी ना गुजरना पड़ता। सामने वाली पार्टी की तो ये खबर आ रही है कि वो शहर छोड़कर भाग चुके हैं, उनके घर गोदाम सब पे ताले लगे पड़े हैं। आप लोगों को कुछ अंदाजा है वो कहाँ जा सकते हैं? हाँ, वो बड़ी भाभी का गांव बिराली यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, वहीं हो सकते हैं। Thank you.
किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? हमें माफ कर, माफ कर दे गौरी, जो कुछ भी किया सब पीसी के लिए किया। 4 लाख का कर्जा है हमारे सर पर, कैसे उतारेंगे? पागल हो गया कि थारी सगी बहन है, अब बच्ची को बेच आएगा? कैसा पति चुना है तुम दोनों ने, अभी से दहेज के लिए मुंह फाड़ने लगा है। अभी जितना दहेज मांगता है देते जाओ, फिर वापस उसी से तो लेना है। ऐसे छोरी की शादी करवा दी, वो तो एक दिन छोरी को ही जान से मार दे रहे हैं। बापू साहब, 6 महीने की तो शादी है, 3 लाख रुपए दिए तो शादी करवा दी, और वैसे भी हमने गौरी के लिए नया पति ढूंढ लिया है, जयपुर में सब कुछ पिक्चर है। परिवार नहीं हो तुम सब मेरा। शांत हो जाओ, बड़ी शांत हो जाओ। भाई बाप माँ सब कलंक है, कलंक। शांत हो जाओ गौरी, शांत हो जाओ। सबने मुझे धोखा दिया, सबने मुझे धोखा दिया। उन्हें उनके किए की सजा मिल गई, तुम शांत हो जाओ। गौरी को अपने सवालों का जवाब जरूर मिला, लेकिन उसके मन को वो शांति नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। शायद गौरी मन ही मन ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसके परिवार वालों ने उसके साथ जो किया उसके लिए जरूर उनके पास कोई ठोस वजह रही हो, लेकिन वास्तविकता में उसे लालच और नीचता के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। बड़ा विचित्र केस है ये, लेकिन अगर थोड़ी सी गहराई से सोचें तो शायद उतना विचित्र ना लगे। जिस समाज में दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता है, दहेज के कानून का दुरुपयोग निर्दोष लोगों के खिलाफ किया जाता है, इज्जत के नाम पर प्रेमी जोड़ों की निर्मम हत्या की जाती है, लड़कियों पर एसिड फेंका जाता है, उस समाज में अगर एक परिवार ने पैसे कमाने के लिए अपनी बेटी की 5-5 बार शादी करा दी तो कौन सी हैरानी की बात है। हमारे कानून में ये साफ साफ निर्देश दिया गया है कि हर शादी का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और अगर आप तलाक चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर आपकी शादी कानूनन वैध नहीं है तो आपको विवाह के द्वारा मिलने वाले सारे कानूनी अधिकार अमान्य हो जाते हैं। गौरी की दुर्दशा का कारण सिर्फ उसके भाई और पिता नहीं थे, उसका अशिक्षित होना, एक पर्दे के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बिताना, ये भी बहुत बड़ी वजह थे। और जब तक समाज में ऐसी कुरीतियां रहेंगी तब तक गौरी जैसी लड़कियों का शोषण होता रहेगा। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया।